कोरोना संकट के दौरान भी अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दे रहे वाटर गार्ड को पिछले 8-9 महीनों से वेतन नहीं मिलने से खाने के लाले पड़े हुए हैं। लोगों को सेवाएं दे रहे वाटर गार्ड के पदाधिकारियों ने हमीरपुर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। इस अवसर पर भारतीय नौजवान जनवादी सभा के प्रदेशाध्यक्ष अनिल मनकोटिया भी मौजूद रहे। वहीं वाटर गार्ड के सदस्य विजय ने बताया कि पिछले 8-9 महीनों से वेतन नहीं दिया गया है और उच्च अधिकारी को भी इस बारे में कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है। उन्होंने बताया कि कोरोना संकट के दौरान भी हमारी सेवाएं ली जा रही हैं, फिर भी वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे घर परिवार का गुजारा होना भी मुश्किल हो गया है। सर, हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमें सैलरी मिलनी चाहिए, जो पिछले की 8 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली है। जो हमारे ठेकेदार है या चाहे वो IPS अधिकारी हैं, जो भी हैं, मतलब उनके जिनके पास हम जाते हैं तो वो हमें ये बोलते हैं कि आज या कल ये बिल दे दिए हैं, बिल प्रोसेस में है, ये है वो है, मतलब ऐसा करके मतलब हर चीज़ को मतलब इग्नोर कर दिया जाता है। मेन मुद्दा ये है कि हमारी सैलरी मिलनी चाहिए और हमारा जो पूरा फैमिली मेम्बर, पूरा परिवार जो है हमारी इसी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि पिछले 8-9 महीने सैलरी नहीं मिली है। जब ये आपको पता है कि ऐसे कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी हमने सारी ड्यूटी और सेवाएं अच्छी तरह से दी हैं, जो कि हर चीज़ मतलब अच्छी तरह से की है, कोई भी हमारी नौकरी के दौरान कोई भी किसी मतलब किसी प्रकार का इशू नहीं है किसी भी मतलब डिपार्टमेंट अधिकारी को, फिर भी उसके बावजूद भी 8-9 महीने की सैलरी होगी जो कि नहीं दे रहे हैं हमें। मेन मुद्दा यही हमारा कि हमारी सैलरी जो हमें मिलनी चाहिए। कसन विभाग के अंतर्गत हमारी ड्यूटी आती है, उसी डिपार्टमेंट में चौवा चौपड़ा जो स्कीम है हमारे उसके ऊपर ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी नाइट चौकीदार के ऊपर होती है वहाँ पे, मतलब जैसी महामारी में हमने रेड जोन हो चाहे जो भी हो, जहाँ कहीं में बुलाया गया हम उसी समय ड्यूटी के ऊपर हाजिर हुए, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, चाहे रेड जोन हो, चाहे किसी प्रकार का जोन हो, चाहे ग्रीन जोन हो, कहीं भी कैसी परिस्थिति हो, वहाँ पर हमारी ड्यूटी के लिए बुलाया गया, हमने वहाँ पर ड्यूटी करने के लिए गए। अनिल मनकोटिया ने कहा कि लंबे समय से वाटर गार्ड और चौकीदारों के द्वारा वेतन न मिलने की शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के दौरान भी ठेकेदार अपने तहत रखे गए कर्मचारियों का शोषण करने में लगे हुए हैं और 8-8 महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि BJP और कांग्रेस दोनों ही दलों के विधायक गंभीर नहीं है, जिससे कर्मचारी त्रस्त हो गए हैं। जिस बात का हम लगातार विरोध करते हैं कि ये जो ठेका व आउटसोर्स की जो पॉलिसी है वो बंद होनी चाहिए, और आज हम देखते हैं कि कोरोना जैसी महामारी के दौर में आज लगभग यहाँ पर 15 से 20 लोग नदौड़ सब डिवीज़न जो वाटर गार्ड हैं, पंप ऑपरेटर हैं, चौकीदार हैं, जिनको सितंबर अक्टूबर के बाद जो है कोई भी सैलरी ठेकेदार द्वारा नहीं दी गई है। और आप देखते हैं कि आज जहाँ पर जो आमदन के सारे साधन बंद हो चुके हैं, जब लोगों के पास जो है खाने के लाले पड़े हैं, ऐसी स्थिति में ना प्रदेश सरकार ना जो उनके द्वारा जो रखे हुए ठेकेदार हैं उन लोगों को पिछले 7-8 महीने से सैलरी नहीं दे रहे हैं। जितने भी लोगों को यहाँ पर रखा गया है उनको वो लगातार कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी अगर उनको रेड जोन में भेजा गया तो वहाँ पर वो ड्यूटी देने गए, उनको ऑरेंज जोन में भेजा गया वहाँ ड्यूटी देने गए, लेकिन ये बेशर्म प्रदेश सरकार और यहाँ के जो विधायक हैं, जितने भी हमीरपुर के चाहे वो कांग्रेस के विधायक हैं चाहे भाजपा के विधायक हैं, वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी उनके उनके मतलब कि बिल्कुल उनको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। आज आउटसोर्स की बजाय यही नहीं, बहुत सारे जो आउटसोर्स एम्प्लाई हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही है, और ऐसे समय में जब प्रदेश के अंदर लोगों को खाने के लाले पड़े हैं और इनकी तरफ को ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लगातार पता नहीं कितने अधिकारी संबंधित अधिकारियों के पास जो है ये लगातार वहाँ पर चक्कर काट रहे हैं पिछले काफ़ी लंबे समय से, और इनको जो है लगातार वहाँ से भगा दिया जा रहा है। आज हम उपायुक्त महोदय से, DC महोदय से यहाँ पर मिलने आए हैं और यहाँ पर अल्टीमेटम देंगे कि अगर एक हफ्ते के अंदर जो है ठेकेदार इनको सैलरी नहीं देता है तो यहाँ पर जो है DC ऑफिस के बाहर ही यहाँ पर ये डेरा लगाएंगे, और आज प्रशासन और सरकार तय करे कि आज अगर ऐसे दौर के अंदर जब ये महामारी फैली है, कोई आमदन के साधन नहीं है, तब ये सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। इन सारी मांगों को लेकर जो है हम आज DC महोदय से मिलने जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि दुकानें बंद पड़ी हैं, छोटे से लेकर बड़े कारोबार सारे बंद पड़े हैं। कभी प्रदेश सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार बोलती है कि हमने बिजली के बिल माफ करेंगे, और आप देखते हैं कि पिछले अभी एक महीने से लगातार जो है वो भारी भरकम बिजली के बिल वहां पर आ रहे हैं, और सारे जितने भी जो दुकानदार हैं इस बात से बिल्कुल नाराज हैं। सरकार को एक बिल्कुल ठोस नीति इसको लेकर आनी चाहिए कि
या तो ये जो बिजली के जितने भी बिल आ रहे हैं, ना कोई काम धंधा बचा है, बिजली के बिल माफ करें। उसके साथ साथ आप देखते हैं कि स्कूलों के प्रति जिस तरीके से प्रदेश सरकार का जो रवैया है, कभी शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि स्कूल तय करेंगे, कभी वो तीन चार वो मीटिंगें कर चुके हैं, लेकिन स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की लूट का अगर देखी जाए, वो लगातार अभिभावकों के ऊपर वो दबाव बना रहे हैं कि आप स्कूल में आकर जो है फीस जमा करवाइए। आप देखते हैं कि जब जो छोटे से लेकर सारे जो काम धंधे जो है बंद पड़ चुके हैं, और आप लगातार समाज के हर वर्ग को जो है सरकार परेशान करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे समय में सरकार को पूरी संवेदनशीलता वहां पर दिखानी चाहिए और हिमाचल प्रदेश के लोगों को जो है वो राहत देनी चाहिए।